हाय फ्रेंड्स, आई एम देवम सिपानी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपने फ़ोन को रूट कैसे किया जाए। अगर आपको रूट का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रूट मतलब ये होता है कि आपके फ़ोन में कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। आप सोचे सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो चलेगा कैसे, ऐसा नहीं है। मतलब आप चलिए फ़ोन पर, अगर आपका फ़ोन पर जल्दी से हैक हो सकता है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अपने फ़ोन को रूट नहीं करें। पर मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपने आप चाहते हैं रूट करना अपने फ़ोन को, तो ठीक है। रूट से थोड़े एडवांटेज है और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है कि आपके फ़ोन में सिक्योरिटी नहीं रहेगी। कोई आप कोई भी ऐप को, जैसे जो कस्टम ऐप्स होते हैं जैसे क्रोम, डिलीट नहीं हो सकते। ये सब को डिलीट कर सकते हैं एक ही बार में। जैसे कोई भी, जैसे जीमेल डिलीट नहीं कर सकते आप, आपका फ़ोन रूटेड होने का कर सकते हैं आप उसको। और भी बहुत सारे हैं। और एक और एडवांटेज है कि आप जब अपने रूट कर लेंगे अपने फ़ोन को, तब आप TWRP भी इंस्टॉल कर पाएंगे अपने फ़ोन में, कस्टम रिकवरी। बहुत सारे तो एडवांटेज है, और भी एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। एक और एडवांटेज है कि आप अपने फ़ोन को का एंड्रॉयड सिस्टम बढ़ा सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन बना सकते हैं। जैसे मार्शमेलो को बढ़ा सकते हैं, ओरियो को बढ़ा सकते हैं, आप लेटेस्ट प्रोसेसर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे भी हैं। तो अगर आपको अपना फ़ोन को रूट करना है तो दो वे हैं, एक PC और एक अपने फ़ोन से। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप PC जाए, पर PC में बहुत दिस। तो फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैं कहा था कि अपने फ़ोन को रूट करने के दो वे हैं, PC और अपने फ़ोन से। आप फ़ोन से करेंगे तो किंग रूट, और बहुत सारे आई रूट, किंगो रूट, ये सब रूट ऐप से। पर अगर अभी आप रूट करने जाएंगे उससे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपना फ़ोन को कभी रूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने लोग उसमें सब्सक्राइब कर चुके हैं कि अब वो रूट का करने डिवाइस बहुत कम कर चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फ़ोन को रूट करना है तो PC में जाइए, पर PC में आप कभी भी एक उसमें मत जाइए। अगर आपको पता है, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे करते हैं कि अपना फ़ोन को रूट कमांड की से, कमांड से आप, अगर आप चाहते हैं अपना फ़ोन को रूट करना तो मैं कर सकते हैं, पर आपको नहीं पता तो मैं बोल रहा मत करें, रहने दीजिए रूट अपने फ़ोन को, बिना रूट के ही रहने दीजिए। अगर आप कमांड की से करेंगे अपने फ़ोन को रूट, तो PC में मैं बता रहा हूँ क्यों इतना अच्छा है। आप उसे इजीली अपना फ़ोन को बूट मोड में डाल के रूट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और एक वे है कि बहुत बहुत कम लोग जानते हैं, शायद ही कोई इसमें वीडियो बनाया होगा, कि किंग रूट के PC वर्जन भी है। हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुने, किंग रूट का एक PC वर्जन है, उसको आप डाउनलोड करिए। मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है आपको। अगर आप उसे मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्रोम में जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करना है उसको। क्रोम में जाइए, गूगल में जाइए, सॉरी, किंग रूट PC, इंग्लिश जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने एक बार इंस्टॉल किया था तो कोई और वर्जन आ गया था, शायद चाइनीज वर्जन था। तो इंग्लिश में जाइए, किंग रूट PC इंग्लिश, किंग रूट PC आपको डाउनलोड में जाके आपके सामने मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। डाउनलोड, विंडोज रिक्वायरमेंट है XP एंड अप, मतलब आप कर सकते हैं। आपका कोई भी पुराना जमाने का कंप्यूटर होगा तो हो सकता है। देखिए, आप देख रहे हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। रूम में गया, डाउनलोड टाइम हो गया, ये थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, और होने के बाद फिर वीडियो ऑन कर लूँगा, ठीक है।
हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा डाउनलोड पूरा हो चुका है। यही है किंगरू पीसी 320.11.29.exe.exe। तो ये अब हो चुका है डाउनलोड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का से इसे इंस्टॉल करना और अपने फ़ोन को रूट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।